इंटू 26 C2 अपॉन 52 C4। ये बात समझ आ गई। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट का, कि विदाउट रिप्लेसमेंट के तीन चार क्वेश्चन और लेंगे। अब निहारिका बोलेगी। यस सर। ये लेक्चर 2 था, लेक्चर कौन सा 3 है ना प्रोबेबिलिटी का। यस सर। आप देखो, मैंने एक क्वेश्चन बोला, जैसे क्वेश्चन आता है बच्चे, एक 10 ब्लैक है, 5 व्हाइट बॉल, कितने एक बैग में कितने हैं, 10 ब्लैक और 5 वाइट। 5 व्हाइट बॉल। दो बॉल्स निकालनी है एट रेंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, दो बॉल्स निकालनी है एट रेंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों की दोनों ब्लैक होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गई बात, यस सर। बोलो जल्दी आंसर। सर 10 C2, हाँ 5 C0, हाँ ठीक है, 5C0 डिवाइड बाय, 15 C2। चलो श्रुतिका। तो ऐसे यस हमने 5C0 क्यों किया है सर? ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। चलो श्रुतिका, यस सर। 4 वाइट है, 7 ब्लैक है और 5 रेड है, ठीक है, 3 बॉल यस। निकालनी है, हर एक टाइप की होनी चाहिए, यस बोलो। सर। 4C1 इंटू 7C1 इंटू 5C1 डिवाइडेड बाय 3। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब एक और बोलेगा, सम्यक है? यस देखो समय, 5 रेड है, 7 ब्लैक बॉल, 7 ब्लैक बॉल है, 2 बॉल्स निकालनी है, ठीक है, दोनों की दोनों, फाइंड द चांस ऑफ ड्रॉइंग, एक मिनट, 7 2 ब्लैक बॉल्स निकालनी है एट रेंडम, जल्दी बताओ। यस सर। 5 7C2 इंटू 5C0 अपॉन 12C2। ठीक है, कुणाल। यस सर। कुणाल अब तू बोलियो। 20 टिकट्स ओके हैं, कितनी टिकट्स हैं? 20। 20 टिकट्स हैं, हमारे को निकालनी है 3 टिकट्स निकालनी है एट रेंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम बियर प्राइम नंबर, ऑल ऑफ देम बियर प्राइम नंबर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बोल, प्राइम नंबर कौन सर कौन से होते इसका हैं? सर 1 to 20 टिकट्स हैं। सर 2 3 5 7 11 13 17 19 कितने हो गए प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर्स हो गए? सर 8 तो 8 में से कितनी निकालनी है? सर 8C3 अपॉन 20C3। ठीक है, अब स्पेसिफिक केसेस वाले। अब हमने एक एट रेंडम विदाउट रिप्लेसमेंट कर लिया, एक विद रिप्लेसमेंट कर लिया, अब स्पेसिफिक केसेस जिसमें एक ही बॉल निकालनी हो एक बार, जिसमें पोजीशन स्पेसिफाई की, जैसे कुणाल एक बार तो बोल, 4 रेड है, 3 वाइट, ओके ठीक है, 2 बॉल्स निकालनी है एट रेंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, एक रेड होनी चाहिए एक वाइट होनी चाहिए, बोला आंसर। सर। 4C1 इंटू 3C1 अपॉन 7C2। कोई डाउट है इसमें? सही नो सर। है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट रेड होनी चाहिए और सेकंड व्हाइट होनी चाहिए, क्वेश्चन समझ आ गया? क्या सर? फर्स्ट रेड होनी चाहिए, सेकंड व्हाइट होनी चाहिए क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन होता विदाउट रिप्लेसमेंट है, फर्स्ट रेड और सेकंड व्हाइट भाई, इसमें क्या बोला था, ऊपर वाले में क्या बोला था बता? सर, इसमें रैंडम था सर। कुछ भी हो, रेड व्हाइट भी हो सकता है, व्हाइट रेड भी हो सकता है, सही है ना? हाँ सर।
मगर इसमें खाली क्या होना चाहिए, रेड फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड व्हाइट होना चाहिए। हाँ, तो इसमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो होगी, पहले रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जल्दी बता सर, 4c1 4/7 या 4c1/7c। हाँ यस सर। अब दूसरी कौन सी होनी चाहिए सर, वाइट की सर 3c1। क्या लिखूं, बाय 3c6 ही होगी ना, एक बॉल तो निकल गई। यस सर, यस सर, यस सर। अब देखो, जैसे अगर क्वेश्चन आता 52 कार्ड्स है, निहारिका यस सर, चार कार्ड्स निकालने हैं, चारों कार्ड क्या होने चाहिए, हर एक टाइप का होना चाहिए, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। बात समझ आ गई? यस सर। आप बताओ क्या होगा सर, 13/52 ठीक है। अब मैं दूसरा पार्ट बोल रहा हूँ, 52 कार्ड्स हैं, चार कार्ड निकालने, पहला स्पेड होना चाहिए, दूसरा क्लब होना चाहिए, फिर हर्ट होना चाहिए, फिर डायमंड। बात समझ आ गई? यस सर। इसमें सीक्वेंस दे रखा है ना, किस सीक्वेंस में निकलना है? यस सर। तो पहला स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जल्दी बताओ, 13/52 13/52 नेक्स्ट 13/51 13/50 13/49 बात समझ आ गई है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब एक और एक्सरसाइज देखते हैं। देखो बच्चे, फॉर्मूला होता है PA/B, क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B/P। क्वेश्चन समझ आ गया, ये वाला फॉर्मूला समझ आ गया, PA/B का फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B/PB, सही है। इसका yes, मतलब sir. होता है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए बी है व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर, फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B/PB। कोई डाउट? नो सर। सही है। अच्छा, PB/A का क्या होगा, PB इंटरसेक्शन A/PA। ठीक है, अब दो तीन फॉर्मूले पिछले साल वाले समझ लो। एक था हमारे पास P, ये इसको क्या कहते थे, इंटरसेक्शन बी, इसको हम क्या बोलते थे, ये अगर A है तो PA कॉम्प्लीमेंट। यस सर। और इसको क्या बोलते थे पूरे को, PA यूनियन। हमला क्या होता था, PA+PB, दो बारी PA इंटरसेक्शन B क्यों माइनस हुआ, बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, एक और फॉर्मूला था हमारे पास, अगर होता था A ओनली, यानी A इंटरसेक्शन B बार, मतलब ये होता था, फिगर कैसा बनता था, ऐसा ऐसा A B बार, यानी ये होता, बात समझ आ गई थी? यस सर। इसका फॉर्मूला क्या होता था, PA-PA इंटरसेक्शन B, यही होता था? यस सर। और बी ओनली का क्या होगा, बी ओनली का मतलब या हम बोलते थे PB इंटरसेक्शन A बार, क्या होता है फॉर्मूला, PB-PA इंटरसेक्शन। यस सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब एक और चीज,
ये होता था हमारा जो बाहर का एरिया, बिल्कुल बाहर का, इसको क्या बोलते थे? नीदर ए नॉर बी, तो इसको बोलते थे ए बार इंटरसेक्शन बी। ये होता था वन माइनस पी ए यूनियन। कोई डाउट है? कोई डाउट है? चलो ये फॉर्मूले हो गए। एक और फॉर्मूला याद रखो, पी ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या होता था, पिछले साल पढ़ा होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए माइनस ए इंटरसेक्शन प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सही है? यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट फॉर्मूले में? नो सर। ठीक है। नो सर। कुणाल अभी तक फॉर्मूले सबको सब की चीजें याद हैं, फॉर्मूले? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है फॉर्मूले में? ये पिछले साल पढ़ चुके हैं ना, इससे पूछ। तो एक बार रिवाइज कर लूंगा। अच्छा चलो एक ए, एक दो क्वेश्चंस बता देता हूँ फिर उसके बाद। कुणाल बच्चे पीए की वैल्यू दे रखी है 0.4। पीए की वैल्यू क्या है सर? 0.4। पीबी की वैल्यू दे रखी है 0.3। पीबी बाय ए की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5। सही है? पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और पी ए बाय बी निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। देख कुणाल, पी बी बाय ए का फॉर्मूला क्या होता है सर? पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। सही है। पी ए की वैल्यू क्या है? तो 0.4। तो 0.4 इंटू 0.5 0.2 हो गया। यस सर। ठीक है, पी बी इंटरसेक्शन ए और पी ए इंटरसेक्शन बी तो एक ही होता है। यस सर। पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है। यस और नो? यस सर। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.2। और पी बी कितना है? 0.3। 2/3 समझ आ गई बात? यस सर। चलो श्रुतिका। यस सर। पी ए की वैल्यू दे रखी है 1/3, पी बी की वैल्यू दे रखी है 1/5। ठीक है, और पी ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है आपकी 11/30। कोई डाउट है? नो सर। पी ए बाय बी निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज पी ऑफ ए? 1/3 प्लस 1/5 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। 11/30 माइनस 1/3 माइनस 1/5 इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मेरे को लगता है अभी तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर। सही है? यस सर। 1/6 आ जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6। निकालना क्या है? a by b, p of a by b, तो 1/6 divided by 1/5। समझ आ गई बात? Yes sir। कोई डाउट है? No sir। अच्छा अब जल्दी से एक बारी दोबारा बोल लो, p a by b का फॉर्मूला मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो सर। P of A intersection B divided by P of B. नहीं नहीं, probability of occurrence of A when B has already occurred. दोबारा बोलो। Probability of occurrence of A when B has already occurred. ठीक है, question समझ आ गया है अभी तक यहाँ तक? हाँ, yes sir. अच्छा, मैंने बोला दो dice फेंकी, ठीक है? Yes sir. सही है?
दो डाइस रखी है, दोनों डाइस में गिवन है, क्या गिवन है, नंबर जो आया वो डिफरेंट है, नंबर इज डिफरेंट, दोनों डाइस में क्या आया, नंबर इज डिफरेंट, ये गिवन है, सही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ सिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज सिक्स, क्वेश्चन समझ आ गया, सिक्स, यस सर, ठीक है, क्या गिवन है, दो डाइस गिवन है जिसमें डिफरेंट नंबर होने चाहिए, मतलब जब हम उनको थ्रो करेंगे, डिफरेंट नंबर आया है, डिफरेंट नंबर आया है, आया है, मैंने क्या बोला, थ्रो करेंगे, डिफरेंट नंबर आया है जब उनको थ्रो करेंगे, हाँ, क्या निकालना, क्या सम उनका सिक्स आना चाहिए, सम उसका सिक्स आना चाहिए, सही है, यस सर, ये वाले केसेस समझ आ गए हैं जो बना रहा हूँ, यस सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, 36 केसेस बनते हैं ना, यस सर, एक बार लिख लेते हैं उसके बाद देख, अच्छा अब टोटल केसेस कितने हुए, 36, इसमें क्या गिवन है, सम 6 आना चाहिए डिफरेंट नंबर्स का, यानी हम 3-3 कंसीडर नहीं कर सकते, ना, क्या गिवन है, क्या गिवन है, जो गिवन नंबर आए उनका वो डिफरेंट हो, वो डिफरेंट है, वो हाँ, और दो डाइस उनपे उनके ऊपर जो नंबर्स आए वो डिफरेंट है, ये गिवन है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सम एज 6, ठीक है, सम, अब देख टोटल केसेस कितने हुए वो देख, ये वाले केसेस जो है ये लेने हैं कि नहीं लेने, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे टोटल में, क्योंकि ये सेम सेम है, हमें डिफरेंट चाहिए, अब सम क्या आना चाहिए जल्दी बता, 6, एक केस, दो केस, ये वाला लेंगे नहीं, ये टोटल कितने फेवरेबल हो गए, 4/30, आंसर इज 2/15, कोई डाउट है, 2/15, नो सर, चल, कुणाल, यस सर, कुणाल मैंने बोला दो डाइस फेंकी हैं, ठीक है, अब दोनों डाइस का सम जो आया वो जो है वो 8 से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 8, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द डाइस बियर अ नंबर 4, एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस बियर अ नंबर 4, क्वेश्चन समझ आ गया, यस सर, क्या बोला क्वेश्चन, दोबारा बोलो, सर दो डाइस फेंकी हैं सर, फिर उसमें क्वेश्चन में गिवन है उसका जो सम होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए, दो नंबर का गिवन है, उनमें ये गिवन है, हाँ, और उनमें से एक नंबर 4 होना चाहिए, कि क्या प्रोबेबिलिटी, नहीं फाइंड द, ना दोबारा सुन, दो डाइस है कि सम जो आया वो क्या है, ये गिवन है कि सम जो है वो 8 से 8 या 8 से बड़ा हो, क्या होगा, 8 या 8 से बड़ा सम जो है, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि कम्स एक डाइस पे एटलीस्ट 4 लिख, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट एक डाइस पे 4 लिखो, क्वेश्चन समझ आ गया, यस सर, तो ये देख जो मैंने ग्रीन लाइन से सर्कल किया है या ट्रायंगल सा बनाया है वो 8 या 8 से ज्यादा ही है ना, हाँ सर सारे हैं सर, तो टोटल केसेस कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 केसेस हो गए, यस सर, और 4 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख यहाँ लिखा है 4, हाँ सर, तो और यहाँ पे भी लिखा है 4, 5/15, 1/3, सही है, यस सर, सम्यक, यस सर, सम्यक अब तू बोलियो, ओके सर, मैंने बोला 1 to 9 नंबर्स लिखे हूँ, कितने लिखे हूँ, 1 to 9 9 नंबर्स लिखे हुए, दो नंबर्स चूज किए, उनका सम जो है वो गिवन है, गिवन आया कि सम जो है वो इवन है, सम क्या आया, इवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स वर ऑड, बोथ द नंबर्स वर ऑड, क्या बोला क्वेश्चन, जल्दी बोल दोबारा,
वन टू नाइन नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें दे रखा है कि जब कोई भी टू नंबर ऐड करते हैं तो इवन नंबर आता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो दोनों दो नंबर ऐड किए हैं वो ऑड है। ठीक है, अब देखो वन टू नाइन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा ये बता कि मैंने दोनों नंबर तो ऑड ले लेता हूँ, दोनों नंबर तो ऑड इवन ले लेता हूँ, इवन इवन ले लेता हूँ और ऑड ऑड ले, तो इससे सम क्या आएगा बता, ऑड ऑड से सम? सर ऑड ऑड से इवन आएगा, 1 + 3 इवन, इवन ऑड प्लस इवन सर ये ऑड आएगा और इवन इवन प्लस इवन इवन आएगा, इवन आएगा और एक मिनट जब मैंने इवन ऑड मिल गया ये भी ऑड आएगा, तो दो फेवरेबल केसेस हो गए और ये केस तो कट, कोई डाउट? यस सर, नो सर। तो अब इवन कितने हैं? सर इवन है सर 4 C2 दो नंबर चूज, ऑड कितने हैं? यस सर 5 C2 तो दो नंबर, ये टोटल केसेस हो गए। यस सर, ऊपर आएगा बोथ द नंबर्स और ऑड तो 5 C2 5 C2। यस समझ आ गई बात? Yes, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट बोलेंगे कशिश। यस सर। कशिश एक फैमिली है, उसमें तीन चाइल्ड हैं, फैमिली में कितने हैं? थ्री चाइल्ड हैं। एक मिनट, नहीं टू चिल्ड्रन से सॉरी, इन अ फैमिली देर आर टू चिल्ड्रन, ठीक है? यस सर। अब उसमें गिवन है कि एटलीस्ट वन गर्ल है, एटलीस्ट क्या है? वन गर्ल है। हाँ, एटलीस्ट वन गर्ल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल, बोथ आर क्या गिवन है जल्दी बताओ? एक फैमिली में टू चिल्ड्रन है और एटलीस्ट वन गर्ल है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ गर्ल्स हैं। हाँ ठीक है, एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब क्या हुआ? गर्ल बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल, यही होंगे। और कोई केस होगा बॉय बॉय वाले ले सकते हैं? नो सर। तो टोटल कितने केसेस हो गए? 3 केसेस, फेवरेबल 1। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। एक और क्वेश्चन सुन लो, अगर इन अ फैमिली देर आर टू चिल्ड्रन, इन अ फैमिली देर आर टू चिल्ड्रन, ठीक है, और गिवन है कि जो बड़ा बच्चा है वो गर्ल, बड़ा बच्चा है वो क्या है? गर्ल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। क्या गिवन है? गिवन है कि फैमिली में टू चिल्ड्रन है और जो बड़ा बच्चा है वो गर्ल है, तो हमें निकालना है कि दोनों गर्ल्स हैं। तो केसेस यही होंगे बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल, इसके अलावा हो सकता है? सर बड़ा बड़ी वाली है ना, बड़ा बच्चा गर्ल कर लिया ना। हाँ बड़ा बच्चा गर्ल कर लिया ना सेकंड, तो आंसर 1/2 हो गया, सही है? यस सर। अच्छा आप होमवर्क नोट कर लो, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी, ठीक है? कुणाल समझ आ गई बात? कुणाल? यस सर। ठीक है कुणाल, तेरा इंटीग्रेशन का होमवर्क भी आना चाहिए, ध्यान रखियो। और मुकुल? ओके सर। मुकुल? यस सर। डेडलाइन कब तक की थी इंटीग्रेशन की? सर 5 दिन की बोलती है आपने, 19 को 23 तक आ जाना चाहिए ना सबका, ठीक है सब कर हाँ। लेंगे ठीक है, और सबका होमवर्क नहीं है, मेरे को नाम बता दियो, मैं फोन करूंगा इंडिविजुअली आपको, ठीक है सर, नाम लिख दूंगा। हाँ नाम लिख लियो, 23 तक नहीं है मेरे को भेज दियो, और विधि है चलो कोई बात नहीं, थैंक यू बच्चे।